मई का महीना और मध्याह्न का समय था, मतलब दोपहर का समय था। ऐसा विदित होता था, यानी ऐसा ज्ञात या महसूस होता था, मानो पृथ्वी उसके भय से थर थर कांप रही थी। ठीक ऐसे ही समय एक मनुष्य एक हिरण के पीछे उन्मत्त भाव से, मतलब मतवाले भाव से घोड़ा दौड़ाए चला जा रहा था। उसका मुंह लाल हो रहा था और घोड़ा पसीने से लथपथ, किंतु मृग भी, मतलब हिरन भी ऐसा भागता था मानो वायु वेग से जा रहा हो, यानी हवा जितनी तेजी से जा रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था कि उसके पग पृथ्वी को स्पर्श नहीं करते। इसी दौड़ की हार जीत पर उसका जीवन निर्भर था। अश्वारोही के, यानी घुड़सवार के सारे शरीर का रुधिर उबल सा रहा था, मतलब खून उबल सा रहा था, किंतु मृग का भागना उसे इस बात का अवसर ना देता था कि वह अपनी बंदूक को संभाले। कितने ही ईख के खेत, यानी गन्ने के खेत, ढाक के वन, यानी पलाश के वन और पहाड़ सामने पड़े, और तुरंत ही सपने की संपत्ति के भांति अदृश्य हो गए।